हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिन डॉट के फार्मा। आज हम लोग बात करेंगे कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी में निकली हुई फार्मासिस्ट वैकेंसीज के बारे में, जो कि 50 निकली हुई हैं। इसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट निकल चुकी है, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से, कोई टेक्निकल इशू की वजह से और फार्म भरने में बहुत सारी दिक्कत होने की वजह से फार्म की डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी कि बढ़ा दिया गया है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि इसकी डेट कितनी बढ़ा दी गई है, कहाँ तक है, और वीडियो के लास्ट तक बने रहें क्योंकि मैंने इसमें बताया है कि फोटो को आप कैसे लगाएं। ओके, जो आप फोटो अटैच कर रहे हैं, फोटो कैसे लगाना चाहिए, किस तरह का फोटो होना चाहिए, इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया है। और तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, बीच में बीच को छोड़ के ना जाएं। अगर आपका फोटो गड़बड़ हो गया, फोटो गड़बड़ अगर लग गया तो फार्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, तो बहुत सारे लोगों को ये भी प्रॉब्लम हो रही थी, मेरे पास बहुत सारी इंक्वायरी आई है कि कौन से रीजन में कितनी वैकेंसी निकली हुई है, जैसे जबलपुर, बिहार, कानपुर, इनमें सब में कितनी वैकेंसी है, इसके बारे में भी आप बताइए। तो इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो रीजन है, ये जबलपुर हो गया, बिहार, कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ, वेस्ट बंगाल, न्यू दिल्ली, देहरादून, यहाँ पे वैकेंसी मैंने निकाल के दे दी है आपको। आपको बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जैसे जबलपुर में दो हैं, तो ये अनरिजर्व एक है और एक एससी के लिए है। ऐसे बिहार में तीन अनरिजर्व हैं। कानपुर में देखेंगे तो ये फाइव वैकेंसी हैं टोटल, जिसमें दो अनरिजर्व हैं, एक ओबीसी की है, एक एससी की और एक ईडब्ल्यूएस की है। ईडब्ल्यूएस का मतलब क्या है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है। इसी तरह से प्रयागराज में देखेंगे तो सात वैकेंसी हैं, दो अनरिजर्व हैं, तीन ओबीसी की हैं और एक एससी की है। इसी तरह लखनऊ रीजन में एससी की है, वेस्ट बंगाल में दो हैं, तीन हैं, न्यू दिल्ली में एक है एससी के लिए, देहरादून में एक है अनरिजर्व। होम्योपैथी की ये वैकेंसी है। जनरली सब सारी वैकेंसी एलोपैथी की ही है, बस ये वैकेंसी जो है वो होम्योपैथी की है। इसी तरह से पंजाब और चंडीगढ़ में पांच वैकेंसी निकली हुई है, जम्मू कश्मीर में चार है, हिमाचल प्रदेश में दो है, नागपुर में एक निकली हुई है, मुंबई में इस तरह से निकली हुई है चार वैकेंसी, गोवा, मुंबई, अहमदाबाद, गुजरात, यानी के सात वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है। सारा का सारा फार्मासिस्ट के लिए है, इसमें से जनरली सब एलोपैथिक फार्मासिस्ट के लिए है, इसमें से दो, एक आयुर्वेदा की है और एक होम्योपैथी की है। इनका जो पे स्केल है वो 29,200 से लेके 92,300 रुपये तक रखा गया। ये तो मैंने पहले वीडियो में भी बता दिया था आपको। अब देखते हैं डेट क्या एक्सटेंड हुई है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो ये 26/3 तक कर दी गई है, ठीक है। कब कितनी कर दी गई है, 26/3 यानी 26 मार्च तक कर दी गई है, रात के 11 बजे तक। इसके बाद ऑनलाइन पेमेंट के लिए एक दिन और दे दिया गया है, 27/3/2024 तक 11 बजे तक आप लोग सबमिट कर सकते हैं। अगर आपके फॉर्म में कोई करेक्शन है करने को, तो आप करेक्शन की विंडो कब तक ओपन रहेंगी, विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट, ये कितनी रहेगी, ये 30/3/2024 से लेके 1/4/2024 तक रहेगी। ओके, ये भी 11 बजे तक रखी गई है डेट। तो इस तरह से 8 दिन का टाइम बढ़ा दिया गया है, आप लोग चाहें तो फॉर्म को भर सकते हैं। जो लोग सोच रहे थे उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी, उन्होंने कर नहीं पाया, अब ये डेट बढ़ गई है, आप लोग चाहें तो भर सकते हैं। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं, इनको मिस मत करना। देखिए, सैंपल फॉर फोटोग्राफ्स अलाउड एंड विच आर मार्क निगेटिव नॉट अलाउड। ओके, तो जहाँ पे क्रॉस लगा है वो आपको उस तरह से फोटो आपको नहीं डालना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, जो फोटो अलाउड है वो इस तरह का फोटो होना चाहिए आपका। ओके, ब्लैक एंड बैकग्राउंड में व्हाइट है, वो बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। इस तरह का फोटो अगर है, टू मच एक्स्ट्रा कलर नहीं चलेगा, टू टू क्लोज ओके नहीं चलेगा। अब यहाँ पे देख लें कि ये ब्लर, अगर फोटो आपके ब्लर्ड हैं, इस तरह से देख लें, ब्लर्ड हैं तो ये भी नहीं चलेंगे। तो आप लोग ध्यान रखें कि फोटो आपका साफ सुथरा होना चाहिए। इसके बाद और एग्जांपल्स दिए हैं, इस तरह से फेसिंग साइडवेज, साइड वे देख रहे हैं, टू स्मॉल, बहुत छोटे फोटो हैं, या स्पेक्टेकल के साथ में है तो ये भी नहीं होना चाहिए। ये देखिए, इन्वर्टेड फोटो लगा दिया, ये नहीं होना चाहिए। टू डार्क यानी कि फेस दिख ही नहीं रहा है, गॉगल के साथ में नहीं होना चाहिए। ओके, एंड हीरो बन के फोटो नहीं होनी चाहिए, यानी कि कैप लगा के फोटो नहीं खींची होनी चाहिए। तो इस तरह से, इस तरह के फोटो आप लोग अवॉइड करेंगे, बिल्कुल साफ सुथरी फोटो, फ्रंट
फेसिंग फ्रंट ये होना चाहिए, बैकग्राउंड व्हाइट हो तो बहुत अच्छा है, कलर्ड फोटोग्राफ लगनी है। ओके, तो ये आप लोगों को पता होगा कि जितनी भी एसएससी की जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकली हुई है उनका 7th पे के हिसाब से लेवल 5 का ग्रेड पे दिया जाएगा, जो कि 29,200 से लेके 92,300 रुपये का रहेगा। इसके साथ में प्लस टीए डीए जो भी रहता है वो सब रहेगा। इसकी जो एज है वो 28 से 25 ईयर्स की है। ओके, एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी डिप्लोमा फार्मेसी होना चाहिए या बैचलर ऑफ फार्मेसी होना चाहिए और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। ओके, दोनों केस में। ज्यादा जानकारी हम नहीं दे रहे हैं क्योंकि इसके बारे में वीडियो डिटेल में बना चुके हैं, आप लोग चाहें तो चेक कर सकते हैं मेरी वेबसाइट पे, ये डिटेल है, यहाँ से आप लोग डिटेल ले सकते हैं और यहाँ से ही फॉर्म भरा जाएगा, तो आप फॉर्म यहाँ से क्लिक करके भर सकते हैं। तो ये मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी हुई है, अगर आप लोग रेगुलर अपडेट लेना चाहते हैं तो इन ग्रुप को ज्वाइन कर लें। मैं यहाँ पे डेट पोस्ट करता रहता हूँ कि कौन से फॉर्म की डेट आ गई है, कौन से फॉर्म की डेट खत्म होने वाली है, सेकेंड लास्ट डे कब है, लास्ट डे कब है, और जो भी चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको होती है फॉर्म भरने में या किसी भी सिलेबस से रिलेटेड, बी फार्मा से रिलेटेड, डी फार्मा से रिलेटेड या एम फार्मा पीएचडी किसी से भी रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आपको सिनॉप्सिस बनाने में कोई दिक्कत आ रही है, पीएचडी से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है, तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, मैं यहाँ पे अवेलेबल रहता हूँ। ओके, तो अभी हम आ गए अपने यूट्यूब चैनल पे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एसएससी से रिलेटेड और भी वीडियो डाल रखे हैं। अगर आप लोग डिटेल में देखना चाहते हैं कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा तो आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, फॉर्म भरने के बारे में बताया गया, क्योंकि फॉर्म भरना इसका डिफिकल्ट है। इसके बारे में इसके बाद में यहाँ पे आपको पता चलेगा कि किसमें कितनी वैकेंसी है, किस किसके बारे में कितनी वैकेंसी निकली हुई है और कैसे क्या एलिजिबिलिटी है इसके बारे में, ये पहले मैंने वीडियो डाल रखा है। तो और इसी तरह की रेगुलर अपडेट पाने के लिए आप लोग देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे वीडियो डालता रहता हूँ जो भी वैकेंसी निकलती हैं। तो इसी तरह की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल लिन डॉट के फार्मा को आज ही ज्वाइन कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट भेजें, और अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट में आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग एंड हैप्पी फार्मेसी, बाय।